घर से बाहर ना निकलने देना शोहर का जुर्म बन गया। उकाड़ा में 25 साल नौजवान का घर से बाहर निकलने पर अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। शोहर कहता है कि बीवी ने अपने आशनाओं को बुलाकर तशद्दुद किया, कान का ग्लास तोड़कर कान काट दिया। उकाड़ा मदीना टाउन के रिहायशी मलक हमजा नामी शख्स का कहना है कि बीवी के चाल चलन पर शुबा था। शादी को अभी 10 माह का अरसा हुआ, लेकिन इस अरसे में कई बार रूट कर जाने वाली बीवी को मना कर लाया। अब भी बीवी को घर में रहने का कहा तो बीवी आग बगोला हुई, अपने आशना को बुलाकर मुझ पर तशद्दुद किया, कांच का ग्लास तोड़कर मुझ पर हमला किया जिससे मेरा कान कट गया। मुझे जख्मी करने के बाद मेरी बीवी आशनाओं के साथ फरार हो गई। मुतलका पुलिस कोई तावुन नहीं कर रही। मजलूम शोहर ने डीपी उकाड़ा से मुतालबा किया है कि बीवी और उसके आशनाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौधरी सारिद अली, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, ग्रेट न्यूज उकाड़ा। मलक हमदा, मैं मदीना टोन का रहायशी हाँ जी। मेरी शादी 10 माह हो गए हैं। 7 अगस्त में मेरी बरात गई थी जी। मैं वखरा मकान लिया अपनी बुढ़ी की खातर, वखरा मकान लैनों अजे हफ्ता भी नहीं होया जी। उन्हें आपके बेलियां बुला के गिलास तोड़ के तो मेरे कातला ने हमला किया, कन्न मेरा ला दिता जी। मैनू जानों मारन लगी सी, मैं उतों जान छुटा के भज गया जी। डी एच क्यू के मेरे टांके टूंके लगे, मुड़ के मेरी बेगम गायब हो गई, पता ही नहीं लगे कितने गई जी।